हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सुजुकी मोटर्स गुजरात में आपका प्रमोशन कैसे होता है और आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो आज का स्थिति है कि लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है जो भी कर्मचारी इसमें ज्वाइन करते हैं, एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, और ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन भी है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं या आप प्राइवेट जॉब में जाएं, बिजनेस करें, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, इसका लास्ट स्टेप क्या रहता है, आपका जो करियर है वो कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये भी एक करियर से मिला जुला सवाल होता है, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचूँगा। और जैसे और सैलरी बढ़ती है जो साल में हर कंपनी बढ़ाती है, उसे छोड़कर एक्स्ट्रा सैलरी क्या बढ़ती है जब प्रमोशन होता है, जो आज की स्थिति है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो जब आप आईटीआई करके आते हैं, तो हर वीडियो में, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सुजुकी मोटर्स में आईटीआई वालों का ज्वाइन करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आपका पहली बात तो 18 से 23 साल के बीच में एज होना चाहिए। आपका एक दिन भी ऊपर एक दिन नीचे नहीं चलेगा, आपको 18 से 23 के बीच में होना चाहिए, और हाई स्कूल में आपके 55% अंकों से ऊपर होने चाहिए, आपके 55% नंबर से ऊपर होने चाहिए, और आईटीआई में 60% नंबर अंकों से ऊपर होने चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन होता है। आप मेडिकल में नॉर्मल हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर अंदर से होता है तो वो चल जाता है, और ऑपरेशन वगैरह हुआ है पहले तो वो भी चल जाता है, आपका कुछ टूट गया है, फ्रैक्चर है, तो वो भी सब चलता है, लेकिन बस दिखना नहीं चाहिए। तो ये होता है, वो सब मैं बता चुका हूँ अपने अगले वीडियो जो पिछले वीडियो हैं उनमें। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि प्रमोशन, क्योंकि जब ये सब आप क्राइटेरिया पूरा करोगे, आप जॉब करोगे, तभी आपका आगे प्रमोशन होगा। तो सबसे पहले तो आप एज एफटी से ज्वाइन करते हैं, जिसका अर्थ होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो हैं एफटीसी 2, ये कितने दिनों के लिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉप कंपनियाँ हैं इनके पास एम्प्लॉय की कोई कमी नहीं होती है। जो लोग हैं वो सपना देखते हैं ऐसी कंपनियों में, जो होंडा, मारुति, सुजुकी, तो ऐसी कंपनियों में लोग सपना देखते हैं नौकरी करने का, टेक्निकल से आने के बाद, टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री करने के बाद। तो क्या होता है कि ये कंपनियां कुछ दिन के लिए आपको रखती हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते हैं, किसी के साथ बहसबाजी नहीं करते हैं, तो ये कंपनियां आपको आगे बढ़ाती हैं और लास्ट में आपको परमानेंट करती हैं। तो सबसे पहले आप एज एफटीसी ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद में एफटीसी आप रहेंगे 7 मंथ तक, ठीक है, 7 मंथ तक आप एफटीसी रहेंगे, और यहां से आपकी शुरुआत सैलरी शुरू होती है एफटीसी से। और सैलरी किस दिन से शुरू होती है ये भी मैं बता दूँ, जिस दिन से आप घर से अपने निकलेंगे और गुजरात में पैर रखेंगे, सैलरी उसी दिन से आपका शुरू हो जाता है, उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग डेट, जो ज्वाइनिंग होता है वो उसी डेट से आपका शुरू हो जाता है, और उसी दिन से सैलरी शुरू हो जाता है। कोरोना के टाइम में 14 दिन क्वारंटाइन रहते थे, उसके बाद में अगर कोई रूममेट आपका क्वारंटाइन हो गया है तो उसकी वजह से आप 14 दिन क्वारंटाइन रहे, खुद क्वारंटाइन हो गए तो फिर 14 दिन रहे, उसके बाद आपका लगभग 10 दिन ट्रेनिंग चलता है, आप सीखते हैं महीने दो महीने, तो आपका लेकिन सैलरी आपका आता रहता है।
ये है कि इसमें ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मैं क्वारंटाइन हूँ या इतने दिन मैं इस दिन आया और इस दिन से ड्यूटी शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप घर से गुजरात की सीमा में पैर रखेंगे और आपका सैलरी शुरू। तो FTC में आपका सैलरी शुरू होता है और 7 मंथ के बाद में 3 महीने का FTC2 रहता है, जिसका FTC का अर्थ होता है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो FTC2 में आप 3 मंथ के लिए रखे जाते हैं और जब आपके 10 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, आपका छुट्टियां कम रहती हैं और आप किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, आपका जो व्यवहार है सबके साथ वो अच्छा रहता है, आप काम अच्छे से करते हैं और अपने सीनियर की जो बात है वो मानते हैं, तो आपको CT के लिए फिर से FTC2 के लिए भी आप HR डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ से आपका फिर से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपसे थोड़ा जो आपका नॉर्मल होता है एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद में आपका फिर से ऑफर लेटर मिलता है FTC2 का अलग, वो मैं दिखाऊंगा क्योंकि FTC1 का ऑफर लेटर मैं अपना दिखा चुका हूँ। उसके बाद में आपको फिर से ऑफर लेटर मिलता है और आपको सब शुरुआत से होता है और 3 मंथ के लिए फिर से आप अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिर 10 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप फिर से HR डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपका एग्ज़ाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है और आप यदि वहाँ आपका सिलेक्शन होता है तो आप CT ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने का काम आपके सुपरवाइज़र का होता है। अगर वो चाहता है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप CT बनते हैं और इसी में 250 रुपये आपके बढ़ते हैं सैलरी के। FTC1 से FTC2 में आएंगे 3 महीने तक आपको 250 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद जब आप FTC2 से FTC CT में आएंगे, जिसका नाम होता है कंपनी ट्रेनिंग, तो उसमें आपको 1500 रुपये बढ़ते हैं और इसके बाद 1000 रुपये बढ़ते हैं। आप CT बनते हैं, आपको 1000-1500 रुपये बढ़ते रहते हैं और आपको CT1, CT2 और CT3 3 साल, ये CT जो है 1 साल का रहता है। जब आप 3 CT FTC1 और FTC2 अर्थात मैं कहूँ कि 3 साल 10 महीने आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका पोस्ट लगभग 4 साल होने पर एसोसिएट आ जाता है और यहाँ पे आप परमानेंट हो जाते हैं, आपको कोई निकाल नहीं सकता है आसानी से और आपका सैलरी 30,000 से 32,000 रुपये के बीच में हो जाता है। तो यही होता है, जब कोई भी जो बोनस वगैरह आता है तो जो जैसे कि सुपरवाइज़र को मिलता है और भी हैं अच्छी रैंक पे, तो उन लोगों को जैसे मिलता है वैसे ही एसोसिएट को मिलता है। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ये और अभी तक यहीं तक लोग पहुंच रहे हैं ITI करके, और सैलरी हर साल बढ़ता है तो इस प्रकार से सबका बढ़ता है, तो उतना एसोसिएट का भी बढ़ता रहता है, उतना हर एम्प्लॉय का बढ़ता है, चाहे वो FTC क्यों न हो। साल में जो सैलरी बढ़ता है वो सबका बढ़ता है, लेकिन प्रमोशन के दौरान अलग अलग सैलरी बढ़ता है। तो ये रहता है कि आपका करियर, आप ITI करके सुजुकी मोटर्स गुजरात में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपका प्रमोशन कहाँ तक होगा। तो पूछ रहे थे कुछ भाई कि भाई CT क्या होता है, कुछ पूछ रहे थे कि FTC2 क्या होता है, FTC क्या होता है। तो आपको इस वीडियो में पता लग गया होगा कि FTC क्या होता है, FTC2 क्या होता है, CT क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है और इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें सैलरी कितना बढ़ता है, कितने साल के बाद में आप बनते हैं। और इस वीडियो में मैं जो अगला वीडियो है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको सुजुकी मोटर्स में अगर आगे बढ़ना है तो क्या आपको करना चाहिए, आपको किन बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये सुजुकी मोटर्स गुजरात या होंडा, ये जो बड़ी टॉप कंपनियां हैं, इनमें हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा करियर बन जाए, और जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उसमें तुम्हें कुछ अलग ही दिखना रहता है, आपको अलग तरीका होता है बोलने का, आपका अलग काम करने का तरीका होता है, आप बिल्कुल जी जान से मेहनत करते हैं।
सुपरवाइज़र को खुद लग जाता है और वो खुद ही देख लेता है कि आप क्या कर रहे हैं काम के दौरान। कुछ डिपार्टमेंट्स में मोबाइल अलाउ होता है तो मोबाइल चला रहे हैं, किसी से बिना वजह के बात कर रहे हैं, आप किसी से बिना वजह से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई तो वजह से भी नहीं करनी रहती है। और क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग में सब बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यूनियन नहीं बनानी है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप ज्वाइन होंगे। तो भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और यदि आप इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मैं डाल देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाता है। जो भाई इंस्टाग्राम से जुड़े हैं उन्हें पता है कि जो भी जानकारी होती है उन्हें सबसे पहले मिल जाती है। वीडियो लेट भी होता है लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत ही अपलोड कर देता हूँ, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। ऊपर से जो भी आपकी क्वेरी रहती है वो आप इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं भी रिप्लाई देता हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे तो पूरा चैटिंग करता हूँ, पूरा जो समस्या है वो सुनता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कम लोग रहते हैं, कमेंट में तो हज़ारों मैसेज आते हैं, तो बहुत लोगों को मिस भी हो जाता है, बहुत लोगों को रिप्लाई भी मिल जाता है, तो और एक कमेंट बॉक्स में चैटिंग भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आपको पता है कि कमेंट बॉक्स में जितने भी मैसेज हैं वो पुराने वाले नीचे होते जाते हैं, नए वाले ऊपर होते जाते हैं, तो हर वीडियो में जाकर मैं चेक तो नहीं कर सकता कि इस वीडियो में कितने मैसेज आए, उस वीडियो में कौन सा नया मैसेज आया, लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा हो जाता है, पता चल जाता है कि नया मैसेज कौन सा आया है, तो इसलिए आसानी होती है। तो आप जाकर इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।